परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से हम आते हैं एक आनंद के साथ। हम धन्यवाद देते हैं जो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इस चैनल के द्वारा से हम आपके पास आते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कुछ समय के लिए रहे, जब तक के परमेश्वर के वचन के साथ हम जा रहे हैं। परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, आपको आशीष करना चाहता है। जब परमेश्वर का वचन आता है आशीष को लाता है, और परमेश्वर का वचन आता है तो परिवर्तन को आता है। और परमेश्वर का वचन आता है तो सुधार के लिए आता है। भगवान और परमेश्वर का वचन आता है तो चंगाई को लाता है। और मैं विश्वास करता हूँ इस घड़ी परमेश्वर एक अच्छा योजना है आपके लिए। मैं बांटना चाहता हूँ आपके साथ परमेश्वर के वचन को, जो इसका नाम को रखा गया है। मैं रखना चाहता हूँ आपके पास कि मनुष्य के जीवन बहुत ही कम है। परमेश्वर के वचन की ओर से देखेंगे का 14:1-2 खासी, और मैं पहला खासी में पढ़ूंगा और मुझे मदद करेगा हिंदी में पढ़ने के लिए। उभरी बारो बदा खा मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों की और दुख से भरा हो रहता है। वो फूल के समान खिलता है फिर तोड़ा जाता है, और वो जो छाया है रीति पर डाल देता जाता है और वो कहीं ठहरता नहीं। और प्यारे जन में आपसे ये सच्चाई को कहना चाहता हूँ, बारो उभरी हमने जितनी जो मनुष्य जो जीवन इस संसार में है उमने उभरी करता उसका आयु लंबा नहीं है। करता और उसका आयु बहुत ही कम होता है। मिनट की बगी यहाँ पर कि हम इस घड़ी में है उस मिनट में है जो हम अपने जीवन को तैयार करना है। बाइबल को हम गौरव की प्रयोग की लुकट किसकी, और बाइबल कहता है कि जो भी इस संसार में जन्म हुआ है उसका उम्र यानी उसका आयु बहुत ही कम है। और भजन संहिता 90:10-12 में लिखा है और वहाँ पर लिखा गया है कि मनुष्य की आयु यानी कि उनका उम्र केवल 70-80 तक है, वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर का वचन और भी कहता है और यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर हमें मुझे सिखा ताकि मैं अपने दिनों को गिन सकूं। हम देखते हैं संसार में लोग जल्द से जल्द मर जाते हैं। कोई लोग है 15 साल में मर जाते हैं, 8 साल लाया 20 साल में मर जाते हैं, लाइफ हाउस नेम लाया 30 साल में मर जाते हैं, 50 तक भी नहीं पहुँचते। और परमेश्वर का वचन कहता है 70-80 तक कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से। लेकिन हम लाना चाहते हैं आपके बीच ये अच्छा समाचार बचपन के मार भी जो आपको याद दिलाने के लिए आप शायद हो सकता है आप कहते हो कि मेरे लिए बहुत सा आयु है। आप कहते हो कि मेरे लिए काफी है, मैं आज आज ये आनंद जीवन जिस कोई संसार में कहने का पुरुष है कि शुक्र या उपरी ये संसार आपको धोखा और जो जो ये संसार जो आनंद देता है रात में लेकिन सुबह में हम दुख पीड़ा में पड़ जाते हैं। और जो पैसा है जो आपको खुशी देता है आनंद देता है कुछ पल के लिए जब तक वो पैसा है
ये ना कहिए कि मेरा ये जीवन है मैं अपने मन मर्जी से करूंगा। I enjoy it by man. मैं आनंद उठाऊंगा इस जीवन का। कितना की ब्रेक आएगी यब देव क्यों? कुछ लोग कहते हैं मर गया तो हो गया खत्म हो गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, भगवान ने उपले जो अच्छा चीज परमेश्वर से आता है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नाश हो जाए। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ आप उस सवेरे से आप निकल जाए, फिर भी जीवा मृत्यु के स्वभाव से आप निकल जाए, फिर ये ताकि आपके युवा चमक है परमेश्वर के लिए चमक बन सके। हम ऐसे जीवन में ऐसे स्थिति में जीवन जी रहे जो समय बहुत ही जल्द से बीत रहा है। जो भी हम करते हैं एकदम दौड़ के साथ हम करते हैं, हमारे जीवन में 24 घंटा हमें मिलता है। लेकिन ऐसा समय आता है कि ये इतना जल्द से जल्द बीत जाता है ये 24 घंटा हमारे लिए। हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही जल्द जल्द बड़े हो जाते हैं और बहुत ही जल्द मर जाते हैं। बाइबल का और बाइबल कहता है इब्रानी 9:27 में मनुष्य को रखा गया कि एक ही बार मरना है, केवल एक ही बार मरना है, मृत्यु के बाद परमेश्वर का न्याय आता है। जब न्याय होने के बाद केवल दो रास्ता है, ये जो दो रास्ता है एक रास्ता है जो आप परमेश्वर को इनकार करते हो, एक रास्ता है कि आप परमेश्वर को स्वीकार करते हो परमेश्वर आपके साथ है। और हम इस रास्ता इस मार्ग के बारे में बात करेंगे जो रास्ता है जो आप यीशु को इनकार करते हो। कुछ लोग हैं इस घड़ी किसको उतना पर के जीने का बाकी एम बनता वो अच्छा लगता है वो जीवन जीने के लिए जो अभी का फिलावन बियां के स्पार्क अप हो सकता है कि आप आपके पास धन दौलत है, फिलावन बियां की जिंदा जिया हो सकता है आपके पास सब कुछ है। आई गो यो ब्ले ले बज गीता धन्यवाद हो परमेश्वर के लिए कि ने फिर से ये नो अगवे के श्री ऐसा घड़ी आएगा कि इन चीजों को आप छोड़ देंगे कि ने केवल अपने रब के बीच की विशाल जो ब्ले ये सब चीज आपको मदद नहीं करेगा, आपको नहीं बचाएगा जब परमेश्वर की न्याय के समय ऐसा रात आ जाए आपके जीवन में या फिलहाल की थे सत्य की बब्बी उस कुमारी की तरह स्त्री के धरा न बने या बिखेरूंगा या आप जब रातों रात आप उस तेल को ढूंढोगे ताकि आप ढूंढेंगे उस उद्धार कथा को। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब तक वो समय नहीं बीतता इस घरे परमेश्वर की ओर मुड़िए हो सकता है आप ड्रग्स में है फिलेक में ख्यान हो सकता है कि आप शराब में है फिलेक में थे या आप स्त्री में है फिलेक में शिंद्रा या आप आनंद करते हो पुरुष के साथ ऐसी भी खलाई हो सकता है कि आप जुआ में जी रहे हो फिर धोती आ सकते हो आप चीज करते हो फिले की क्या मुश्किल गलत चीज करते हो फिर आप सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं देख रहा है। बाइबल कहोगे शाम लेकिन भजन संहिता कहता है परमेश्वर हर जगह में है वो की खिलाई हृदय को देखता हूँ और परमेश्वर जानता है कि आपके कमजोरी को। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस तरह आप इस वीडियो को देखते हैं परमेश्वर आपको प्रेम करता है क्योंकि ये जो नरक है ये जो नरक है बाइबल को हम मत्तियस 5:41 और मत्ती 25:41 में कहा गया नरक आपके लिए रखा नहीं गया शैतान जो और नरक उस शैतान को रखा गया लबोमान वो जो गलत चीज करते हैं उनके लिए रखा गया। प्यार मित्र आपके लिए सही समय है प्यारे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ऐसा पाप नहीं है जो परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता है। ये नरक बहुत ही भयानक है बाइबल का
और बाइबल कहता है इसाया ने अपने रुखत बार पुसाओ और इसाया 64:24 में बागरी के दुचक करने के डिंग बम जुले और यहाँ पे इस नग में आँख है जो कभी नहीं भूलता है दरुक संग बम जिया वहाँ पर कीड़ा है कहने के चिंता इतनिया वहाँ पर बहुत ही कठिनाई है बैंगा और ये फीक निकले माँ लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ वन माय लाख फिर माँ इतने दूजा ऐसा ना धो कि आपके जीवन में वो नरक आए कलम का बशर है बहुत ही भयानक है राज्य लाइफ को अपर नहीं हाँ मैं बड़े नाहत में गया ना बगैर दुगी जगह के बसान जी की दुगी कारखाना के बहे बहे वहाँ पर बहुत बड़ा कारखाना है वहाँ पर कटिंग बहे बहे बहुत बड़ा वहाँ पर आग है पता मंगिया ने जन जब तो रुक गया अब शाह ने मगर शिट पड़ा अगर हम उस आग से बगल से हम चलते हैं तो हम सह नहीं पाते क्योंकि बहुत गर्मी के कारण जैसे यह हो सकता है कि आप कहते हो कि मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता खरेगा मैं सीम जो भी कहा बदले अगर जिन कोर्टे लेकिन आपका जो आत्मा है उस नरक में जाएगा खरेगा दो कलाम ने छके दो में हो सकता है कि आपका जो शरीर है वो मिट्टी में मिल जाएगा नमाय के ताला वो बैठे उबले इसलिए जो परमेश्वर ने रखा है उसी तरह से इक्लेशियस ने इसमें मुलाय दिखाई बार भोगा और इक्लेशियस के 33:3-20 में कहा उबरे वरो उनिया ने रखता गलंती और हर एक मनुष्य को उस रास्ते से गुजरना होगा खरेगा मैं कब यहाँ भी पूछ के दो में कि ये जो हमारा जो शरीर है हमें उस मिट्टी में मिलना है हमारा थान तो दो में क्योंकि हमें बनाया गया उस मिट्टी से है कि तक मन शी कबले अब कन्या को के बाइबल लेकिन जो आत्मा जो पाप करता है वो मरेगा है कि चिंगाई की चोपड़ी के डंडल में था लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है अभी भी कि चिंगाई की चोपड़ी के डंडल में था परमेश्वर का अनुग्रह अभी भी है नाम को आप इन मार्ग में जाओ मैं नहीं चाहता हूं कि आप नरक से कि लगे कि संग की बमिया बहुत ही वहां पर खतरनाक है कम में फिले तो जा फिनिया आप ये ना सोचे कि आप नरक में जाओगे तो आप मर जाओगे हां जो करने के चक्का जो कि बचतो वहाँ पर आप नहीं मरोगे लेकिन 57 है वहाँ बाकी प्रेम की संग की पार्ग में चुकी लेकिन जो उस नर्क में जो मनुष्य की शरीर को वो कीड़ा धीरे धीरे खा संग अब देखो कि वो कीड़ा है उसके वो आग उसको झुलझाता है जो ने तो। वो आपके जीवन वैसे ही रहेगा फिर मरेगा कि नहीं मरोगे नहीं कहना कि खोल दे साथ वहाँ पर बहुत ही भयानक ये मन में पंती की फिर लेकिन हम आए आपको डराने के लिए ये तो एक अख्तियार जो अपने को बदला हम बताने आए हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वही उबले भाई का मन बदला लो ये फिर परमेश्वर ने स्वतंत्रता हृदय दिया हमें बगता है कि शुरू जो वो है रास्ता नरक की ओर लगा फिर कितना चम चीसू अगर आप यीशु को इनकार करते हो बगैर जीने ने फिर लोग शबाब निकल बगैर दूजा देंगे बशर खाएं वो होगा आपका जीवन नरक में जो कभी भी अंत नहीं होगा खुबोर भाग डर लेकिन अच्छा समाचार ये है कदम भी अंदर पो ये सही समय है अभी नो आने की जिंदगी ड्रो अब जो ड्रग पीने से अब निकल रही है मीनो आने की कम आउरिया और गलत रास्ते से निकल रही है मीनो आने की जी खलाई जुआ से अब निकल रही है मीनो आने की जी दी बुआई जो आप पीते हो अब निकल रही है मीनो आने की कम स्नेह और गलत चीज से निकल रही है उधर उस चीज से बन पला के फिर यीशु है जो आपको मदद करेगा कबाब को उस चीज को मतलब गलती बाबा कहता है कि यीशु ने कहा है कि मैं मर वो मतलब जी शीशा मैं सत्य हूँ वो वाला का जीवन और मैं जीवन हूँ वो वाला मन बनाए के जीवन मैं आया हूँ जीवन देने वाले के जीवन बकर है वो बहुत है के जीवन देने वो वाले बन पर खड़े के जगह और मैं गया हूँ उस जगह को तैयार कर आगे जगह के बंगलो जिस जगह में मैं हूँ फिर भी फिर लो तुम भी रहोगे कि बकुम लोग नहीं होएगे तक जगह कैसे लोग वहाँ पर जाओगे जाएंगे कि वो खुद यीशु को बुलाओ लेकिन वो लोग जाएंगे जो यीशु को पुकारते हैं बाइबल कौन बाइबल कहता है स्टीफन कम योहन्नेस पहला योहन्ना बहुत स्पष्ट कहता है बगिता के बुला खान उबले जो भी परमेश्वर से जन्म हुआ है किम जुले पक्षो वो कभी पाप नहीं करता है किम जुले पक्षो वो कभी पाप नहीं करता है मीनो आने तो जीवन गया इसलिए वो गलत चीज से निकले मीनो आने तो पाप पाप से निकले योहन्नेस की वे खबर खा लो योहन्ना एक 11:12 में लिखा है कैसे बच्चे तो आए बोल रहे कि खुद जम रहे और जो भी यीशु को स्वीकार किया और इसमें दिया गया परमेश्वर के संतान बनने के लिए बगैर जब चीज प्रेस जो भी यीशु पर विश्वास करता है हम अपन खाने के दो अपन का मन का स्नान वो शरीर से जन्मा नहीं है वे अपन खाने का मन जम रहे लेकिन परमेश्वर की इच्छा से जन्मा हुआ है शिशु ना खाए नहीं मिल पा हमें अपने माँ पिता जी से जन्म लेकिन हमने पाप किया लेकिन यीशु आया सही समय में हमें जीवन देने के लिए जब हम स्वीकार करते हैं हमें वो भता के जीवन देता है पर प्रेम पुनिया आएगी गलती चुनी परमेश्वर हमें हमारे जीवन को बगिना बन सक्रिय हो प्ले ताकि हम परमेश्वर की सुख करें ताकि चिंतन तू जमा बताओ उनके चरण में मेरा ये आपसे विनती है हाई स्टेप
इसके आज के दिन आज के दिन और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आत्मा को बचाएगा। नहीं पड़ता आप किस रास्ते से गुजर रहे, जैसा कि आप हो आए परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। बाइबल कहता है कि अगर परमेश्वर के पुत्र आपको छुटकारा देता है फिर के आप सचमुच छुटकारा पाओ, क्योंकि अयुब कहता है खाने के प्रियो जो भी स्त्री जो भी व्यक्ति जो स्त्री से जन्म हुआ है उसका उम्र उसका आयु बहुत ही कम है, बहुत ही कठिन। मैं सोचता हूँ इस वचन को क्यों समस्या में होता है मनुष्य लगा उप्रिय जान। अगर मनुष्य अगर वो दुख में नहीं होता परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ेगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो दुख की घड़ी में भी जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और हमें छुटकारा देता है। अगर हम विश्वास करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा जीवन जी रहे हैं, यीशु को इनकार न करें। अगर आप इनकार करते हो या फिर शैतान या आप उस जगह में जाओगे जो शैतान है उसका स्वर्गदूत है वहाँ पर जो साहब पे कहना है जो कभी नहीं मरता वो कभी आग जो नहीं बुझता वो जो आत्मा कभी नहीं मरता बहुत ही दुख होता है वहाँ से निकलिए यीशु को स्वीकार कीजिए। मैं गया हूँ उस जगह को तैयार जिस जगह में वो है फिर फिर लाऊ आप ही होगी वहाँ पर बीमार नहीं है वहाँ पर मृत्यु नहीं है वहाँ पर दुख नहीं है वहाँ पर चिंतित नहीं है केवल आनंद ही है वहाँ पर। और मैं विश्वास भी करता हूँ इस घर में जब आप विश्वास करते हो आपका जीवन जीवन के आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। इसलिए बाइबल स्पष्ट कहता है न्याय के समय में परमेश्वर प्रकाश वाक्या 20 का 15 में लिखा है अगर अगर उनका नाम को नहीं पाया जाता है जीवन की पुस्तक में और उसे फेंका जाएगा उस नरक के भट्टी में। मेरे दोस्त अब ना कहें कि कल नहीं जानते हो कि कल क्या होगा। मैंने बहुत मिला ऐसा व्यक्ति की बोलते हैं रहते हैं भगवान के संग जिया लेकिन अचानक मृत्यु आता है के लिए हम नहीं जाते हो कहाँ गए लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जिया ऐसा ना हो कि मृत्यु आपको लेकिन ऐसा हो कि परमेश्वर का अनुग्रह आपको पाए आपके आत्मा को बचा सके। कम फेयर के रुपया लेती कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रास्ते से गुजर रहे हैं। सोच हो ये भी हो सकता है कि मनुष्य आपको नहीं सोचता है ये समझते हो ये भी आपके घर पर रुकना नहीं समझते आप उन्हें ऊपर लोग पशिशा ये जो आपका सच्चा जो दोस्त है भगवान बन बुला के भी जो आपको छुटकारा देना चाहता है करते हैं जो ऊंची सुख है नाम है यीशु मसीह पर आप खत जब आप उसको पुकारते हो पर उन वन बनाए भी के चिंगे और आपको वो आशीष देगा। और मैं विश्वास करता हूँ इस घड़ी पर चिंगे जो उपरी और मनुष्य के जीवन निम्ला बताऊँ कबल शाही हम नहीं कह सकते हैं कि कल कबल शिशगी परसों रेगी हाँ बन लो लेकिन हमें ये होना है कि हम अपने आप को तैयार करें बाइबल का ग्रंथ शाही क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट कहता है तब शाम परमेश्वर मुझे सीखा परमेश्वर अपने दिनों को ताकि हम वो हृदय पाए एक ज्ञान के हृदय का दौर पुस्तान जो ज्ञान का हृदय कम जो आप वो नहीं रोकता है कम जो बोलते हैं वो नहीं रखता है लेकिन वो परमेश्वर की ओर मेहनता अभी मेहनता अभी कहीं का पूरा झोंप ले परमेश्वर की महिमा को देखो आप उस विजय की ओर पाओगे परमेश्वर का आशीष को पाओगे महिमा को पाओगे इस घर आपको बुलाता हूँ मैं कम फेयर के रुपया लेती कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रास्ते से गुजर रहे हैं सिंधा जो परमेश्वर आपके सामने में है नहीं मिल पा हो सकता है कि आप अपने माँ पिता जी से आप उस प्रेम को नहीं पा रहे हो फिर अपने समाज से आप उस प्रेम को नहीं पा रहे हो काम जो भी क्योंकि आपका कार्य के द्वारा आपको उस आपका जो चरित्र को बुरा कर दिया है वो शैतान जो शैतान बहुत
चलाक है उम्मन तमन तो लेकिन केवल चोरी करने के लिए नहीं आया उम्मन तमन लुटे भी केवल मतलब लुटने के लिए नहीं आया वो अपने पिने तो जोकी भी लेकिन अब वो चाहता है कि अब नर्क में जाए रिफाई शोधरा है लेकिन आप परमेश्वर की ओर मुड़े यो एक ही माँ जो बले परमेश्वर की महिमा को पाओगे परमेश्वर के राज्य को पाओगे लगता है कब बनेंगे वो बले ना आए जो राज्य जो सर परमेश्वर आपको देगा कब लगे जी सुख रहा है वहाँ पर शांति शांति आगे चीखे जो आगे जाओ भाई आपके जीवन में तू ये भाई बनना आए हम बोले आगे जिंदू आए प्रार्थना में आगे देख ले भाई इसके लिए कम फेर कोई फर्क नहीं कुंभ की लो जैसा कि हम है वन कुंता ऐसे ही आए प्रभु ये भी परमेश्वर से प्रेम मिलता है ट्राइब ए प्रभु यीशु ये आई वो ये में हम धन्यवाद देते हैं अपन के मारी हमें याद दिलाया है बगे चीखे जोंगी कि हमारा जीवन ये मतलब एक बंजाल शाम हम नहीं जानते कि कल क्या होगा क्या बंजाल शाम तो योग क्या आने वाले हफ्ते में क्या होगा लेकिन डर के जिस को उसके हैं लेकिन हमें ये मजबूती है ये भाई शमे कि हम आगे और मुड़ते हैं मेरा उत्तराय जुनी कि आप मेरा मालिक है मेरा उन्हें अपने जुनी मेरा उधार करता है वाने के दोनों जुनी मेरे हृदय में माफी की पाप जुनी मेरे पापों को क्षमा कर साले के स्नान जो मैं तेरे लहू से धो ले धोए कर देख जो हाँ मेरे नाम को देख है का किताब में चिकन जीवन की पुस्तक में आएगी करके चिकन मेरे मुझे ये जीवन दे कचिंग एम जो कचिंग लाइन लो जीवन स्वतंत्र के जीवन कचिंग में आनंद कबंगला बन शुक्रिया में ताकि मैं आपके सब क्या कर सकूं मीनों ने की कम भैया मृत्यु की कहानी से मैं निकल सकूं ना कदों को बनता जिस भाव से मैं भी बांगे दुआएं मैं प्रार्थना करता हूं मेरा उपलब्ध जो है कि तू मेरा परमेश्वर है देव यीशु यीशु मसीह के नाम में आमेन ट्राइंग एट वाइन तक इन की मैं की परा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मेरे दोस्त मेरे भाई को कि उस मोवे का तीन जो में परमेश्वर जो आपके वचन को सुना है कब के दम वंश में के दोन उन जब आप वो लोग आपके पास आ रहे हैं तेरे साथ कि खबर जो में के लोग शकी परमेश्वर आपके निगाह उन पर हो ती जो में के लोग हलोर जो कि हाथों उन पर हो व्या मैंने लंबे आपने कहा कि मैं आप अगवाई करोगे मैं पर शायद बोर उन्हें सामर्थ होगे मैं वेगनो ये के जिन क्लच जो कि उनकी कमजोरी को मैं हटा दूंगा मैं क्लीनो के प्राइज जिन हाथ जो कि परमेश्वर उन्हें उठा ले मैं के खुई की परमेश्वर आशीष करे भगवान जो हमने की शिक्षा दे हमारा परमेश्वर उस बंधन से आप छुटकारा दे हाँ कि जो लोग जीवन में मिसनियो जो भी गलत आदत है बाकी जो लोग मिसनियो पाई दिए जो भी जो परमेश्वर आपसे मुड़ता है जीवन सिंह बोलते हैं जो जो रखा है जो लव लव बनकर रियानो यीशु मसीह के नाम में निकल जाए बाकी दुआएं चिंपने मैं प्रार्थना करता हूँ उद्धार के चिंपन क्या आपका आशीष के चिंसो आपका शांति के चिंपन लाए आपका छुटकारा प्राइंग इक्रेनी चिंकर खूजो मैं परमेश्वर मैं कहता हूँ आपका आशीष बनी आई हूँ ये मैं और मैं धन्यवाद करते हूँ यीशु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन पर लोग भाई मेरे दोस्तों आज प्ले फीस शी सी पा फिर से आपको सभी को हम धन्यवाद देते हैं यदि तीन जो प्ले कप कृषि उठिया आएगा मेरे फिर ये जो परमेश्वर का वचन हमें जगाता है बाकी मेरे बल्ले का ये के चिंगे कि हम खिलवाड़ ना करें अपने जीवन के साथ कितने हम भी आज शो प्ले के चिंगे कि आप जानते हो कि आपने अपने जीवन को समर्पण किया यीशु पर फिंडन हागे चिकर खो जो अपने परमेश्वर का आशीष आप पर बना रहे तो ब्ले जो मैं चिकस उनकर खोई भी परमेश्वर शांति का परमेश्वर आपको आशीष करे अगर जाइयो चिकर खो अगर आपने आशीष पाया है सामने में की निशी हुए अब इस वचन को आप बांटिए अपने दोस्तों शेयर इन को खूब और सी हुए अपने दोस्तों के और आप शेयर कीजिए कि कोई यकीन वो भा ना ब्ले के चिक परमेश्वर का आशीष आए उन पर भी फिर कब चिंग दुआएं नहीं चीज लो आप अगर प्रार्थना की आवश्यकता है या संगति की आवश्यकता है फिलहाल बन फोन लेने बन SMS से आप फोन कर सकते हो या SMS कर सकते हो आगे के नंबर वही आए की स्क्रीन हाँ जो नंबर है जो आपके स्क्रीन में है तो प्ले जगह जिंसो और परमेश्वर शांति के परमेश्वर उनकर खूब रहा है जीव जो भी परमेश्वर बहुत है आशीष करे जिंसो जो प्ले के लॉन्ग शफी परमेश्वर का शांति आपके जीवन में बना रहे मंताश की बम चुकर विश्व के अनंत अनंत काल तक आमेन आमेन